कोई बच्चा शोर नहीं करेगा, हम बोलेंगे आप जैसे अच्छे बच्चे कैसे है, आप सभी बच्चे एक साथ में ऊंचे आवाज में बोलेंगे ऐसे। क्या बोलोगे? ऐसे। अच्छे बच्चे कैसे? ऐसे। आप लोगों की आवाज नहीं है, आप कितने बच्चों की आवाज तेज होनी चाहिए ताकि पूरे गुड़िया गांव में पता लगे कि आपके स्कूल में जादूगर पहुंच गए। सभी को जोर से बोलना है, गंदे बच्चे कैसे? उपायुक्त महोदय एवं जिला रेड क्रॉस सोसाइटी जिला सिरसा की ओर से किया जा रहा है, इसके लिए मैं आपके स्कूल के मान और सम्मान के योग्य प्रिंसिपल महोदय जी और टीचर स्टाफ व सभी प्यारे बच्चों का धन्यवाद करता हूँ कि आप लोगों ने अपना कीमती समय निकाल कर आप लोगों को और हाथ की सफाई है। जंतर मंतर जादू टोना कुछ नहीं होता, ये एक वहम है। आज मैं आप लोगों को केवल समान शक्ति के द्वारा कुछ नए नए ट्रिक्स दिखाऊंगा। आशा करता हूं कि आप लोग बिना शोर के अच्छे अनुशासन से ये मेरा शो देखेंगे। नाउ द स्टार्ट फर्स्ट आइटम। क्या मेरे पास खाली लोहे का डिब्बा? यस सर। क्या है खाली लोहे का डिब्बा? और डिब्बे में देखिए हम अपने मैजिक पावर जादू कला से क्या बनाएंगे। जस्ट फॉर मैजिक पावर। लेकिन मैं प्रोग्राम शुरू करने से पहले आज मैं आपके स्कूल के मान और सम्मान के योग्य प्रिंसिपल महोदय जी को एक मिनट के लिए स्टेज पे बुलाएंगे। और सभी मेरे प्रोग्राम के चीफ गेस्ट हैं। मुख्य अतिथि का मैं स्वागत करूंगा अपने जादू कला के द्वारा, इनके लिए बेहतरीन उपाय। शोर नहीं भी। देखो बच्चों आपसे निवेदन है, अगर आप लोग वाटर ऑफ इंडिया हिंदुस्तान का पानी कभी भी खत्म नहीं होगा। कभी भी खत्म क्यों नहीं होगा? क्योंकि हमारे देश के अंदर तीन नदियां बहती है, गंगा जमुना सरस्वती। इन तीनों पवित्र नदियों का पानी इस लोटे से सीधा मंगवा सकते हैं। तो देखिए पहले मंगाते हैं गंगा नदी से। वाटर ऑफ इंडिया, वाटर ऑफ हिंदुस्तान का वाटर ऑफ इंडिया। मैं बीच में छोड़ दी। हम बताएंगे सबसे ऊंची नदी का वाटर ऑफ इंडिया। आवाज नहीं, आप लोगों ने नाश्ता नहीं किया, क्या था? वाटर ऑफ इंडिया हिंदुस्तान का पानी। कई बच्चे सोच रहे हैं जादूगर ने इसमें बर्फ डाल रखी है, वैसे इंडिया इंडिया लग रहा है। इसमें नहीं कोई बर्फ, नहीं कोई केमिकल, पानी उन्हीं तीनों नदियों से आ रहा है जहाँ से हमने इस लोटे का सीधा संपर्क कर दिया है। एक बार फिर से मंगवाएंगे वाटर ऑफ हिंदुस्तान का पानी। ये था हमारे हिंदुस्तान का पानी। अब मैं आपके स्कूल का भी पानी मंगवा सकता हूँ। मंगवाए वाटर ऑफ और ये लीजिए आपके स्कूल का पानी। प्यारे बच्चों ये जादू आप सीख गए होंगे। आपको क्या करना है, घर जाके ऐसे लोटा उठाना है, घरे के पास खड़े हो जाना है, तीन बार बोलना है वाटर इंडिया, वाटर इंडिया, वाटर इंडिया, हिंदुस्तान का पानी। और पानी इस प्रकार से आपके लोटे के अंदर आ जाएगा। जब तक मेरा मैजिक शो चलेगा, वाटर ऑफ इंडिया चलता ही रहेगा। देखते हैं नेक्स्ट आइटम। और नेक्स्ट आइटम मेरे पास ये बोल, क्या है? बोल। और ये खाली डिब्बा, नहीं डिब्बा,
बच्चों ये बोल जो है इस डिब्बे में डालेंगे, मैजिक पावर द्वारा गायब करेंगे, फिर आपके स्कूल में किसी लड़के या किसी लड़की की पेट में से निकाल देंगे जी। जो बच्चे अपना पेट किसी ने पकड़ेगा बोल उसके पेट में जाएगी। अब हम एक मंत्र बोलेंगे, सभी बच्चे मेरे साथ बोलेंगे, हम बोलेंगे बैगे बैगे, आप लोग बोलोगे चिंचरे, बैगे बैगे। छोटे बच्चे अगर चले चले कान जाओ, चिंचरे बोलना था, बैगे बैगे। लड़कियां डर के मारे कह रही है जी पिल पिले, केवल चिंचरे बोलना है, बैगे बैगे। उधर चले, उधर का मार इधर चले, और बोल यहाँ से अब हम ढूंढेंगे बोल किस बच्चे के पेट में गई। आप अपना अपना पेट छोड़ दें, आपका परिचय करवाते हैं। क्या नाम बेटा आपका? भाई जो भी बच्चा स्टेज पे आए ऊंची आवाज में बोले ताकि सभी को सुनाई दे। क्या नाम बेटा आपका? अर्पित। अर्पित कौन सी क्लास में पढ़ते हैं? नाइन्थ में। आप क्यों पढ़ते हैं? नाइन्थ में क्यों पढ़ते हैं? पढ़ने के लिए। वेरी गुड। अब आप लोग सोच रहे होंगे किसमें तालियां बजाने वाली क्या बात है, सभी बच्चे पढ़ने के लिए आते हैं, लेकिन ऐसा नहीं है गुरुजी। ये प्रोग्राम अभी मैं नाथू श्री चोपड़ा सीनियर सेकेंडरी स्कूल में दिखा रहा था, मैंने लड़के को बुलाया, उनसे यही सवाल किया कि आप कौन सी क्लास में पढ़ रहे हैं, तो लड़का कहने लगा जी मैं प्लस टू में पढ़ रहा हूँ। मैंने पूछा क्यों पढ़ रहा है, तो कहने लगा जी शादी के लिए। लेकिन इस बच्चे के अच्छे विचार लगे इसलिए मैंने कनेक्टिंग करवाई। बेटा आप चोरी करते हो, झूठ बोलते हो, कभी कभी बोल देते हो टाइम पास करने के लिए, कभी नहीं बोलते। वेरी गुड। झूठ बोलना, झूठ बोलना पाप है, जादूगर को माफ है। बोल इनके पेट के अंदर आ गया है। मैंने सभी बच्चों से कहा था कि आप अपना पेट कसके पकड़े, सभी बच्चों ने ए सब्जी मंडी चुप। मैंने सभी बच्चों से कहा था कि आप लोग अपना पेट कसके पकड़े, तो सभी बच्चों ने पेट कसके पकड़ा, इन्होंने भी अपना पेट कसके पकड़ा। लेकिन आज इन्होंने गलती कर दी, वो क्या थी, पेट को कसके पकड़ा, मुंह को खुला छोड़ दिया, बोल इनके मुंह के अंदर चले गई। आप लोग ये बताएंगे कि आप लोगों ने अर्पित के मुंह के अंदर बोल जाते देखा, आते हुए देखना चाहोगे? बेटा जोर से खांसी, बोल नीचे गिर जाएगी। बोल बड़ी थी बेटा, जोर से खांसे नीचे गिर जाएगी। ये बीमारी आपको कब से है? अगर हम बोल को नीचे गिरा देंगे तो यहाँ बम फट जाएगा। डरना नहीं, हम यहाँ बम नहीं फटने देंगे। मुझे मालूम है अगर यहाँ बम फट गया तो आपके टीचर स्टाफ भाग जाएंगे, नहीं देंगे। मेरे पास है खाली पिंजरा, इस पिंजरे में बोल को मंगवाएंगे। आप क्या करेंगे सर जी? अभी यही प्रोग्राम है उधर प्राइमरी स्कूल के बच्चों की तरफ दिखा रहा था नाथू सिंह चोपड़ा में, तो मैंने बच्चों से पूछा बच्चों ये क्या है, तो बच्चे कहने लगे थे छोटा कूलर। मैंने उनको समझाया ये कूलर नहीं है, ये बोल को इसके अंदर डालेंगे, अगर बोल को नीचे गिरा देंगे तो विस्फोट हो जाएगा, लेकिन इस पिंजरे में बोल को मंगवा लेंगे। अर्पित आपको क्या करना है, इस पर ऐसे मुंह रखना है, मैं तीन बोलूंगा जब जोर से खांसना है, इस पर मुंह रखो बेटा, 1 2 3। खांस रहे हो, दुख रहे हो, ये आपके स्कूल के छात्र हैं, इनसे आपका परिचय करवाते हैं। क्या नाम बेटा आपका? आनंद। भाई ऊंची आवाज बोले। आनंद। कौन सी क्लास में पढ़ते हैं?
आनंद, आज मैं आप पे जादू करूंगा, आप डरोगे नहीं डरोगे? वेरी गुड, बहुत अच्छा लड़का जी, शाबाश। सर जी, ये प्रोग्राम अभी मैं यही प्रोग्राम गुरु जी मैं नाथू श्री चोटा में दिखा रहा था। लड़के को बुलाया, उनसे यही सवाल किया कि आज मैं आप पे जादू कराऊं, आप डरोगे नहीं डरोगे? तो लड़का आनंद की तरह बहुत बहादुर था, कहने लगा नहीं डरूंगा। लेकिन जैसे मेरा जादू चला, पता है क्या हो गया आपको बताऊं सभी? जैसे मैंने अपना जादू चलाया, लड़के ने अपनी पेंट खराब कर दी। शाबाश, वेरी गुड। अरे नीचे क्या देख रहा है, कुछ नहीं कहने। आनंद, आप मुझे ये बताएंगे जो यहाँ टीचर बैठे हैं, इनमें से आपके फेवरेट टीचर कौन है, जो आपको सबसे ज्यादा अच्छे लगते हैं, उनका नाम बताएंगे? कृष्ण लाल सर जी, वेरी गुड। बेटा ऐसे करो, आप अपने फेवरेट टीचर के पास जाओ, उनसे 20 रुपए लेके आओ। कैसे? अब आप बार बार अगर शोर करोगे तो मेरी आवाज कहाँ पहुंच पाएगी? भाई ये दो चार बच्चे ना सर जी, ये इधर आगे से बड़े शोर कर रहे हैं। 20 रुपए के 200 वापस लौटाने पड़ेंगे। हाँ बिल्कुल सर, ये बात है सर। आप आपके स्कूल को देखे थे? आपको देखे थे? आप अपनी कोई मनपसंद वस्तु सोचेंगे, जो भी सोचेंगे मैं आपके विद्यालय में हाजिर करूंगा। मेरी शर्त यह है, आप किसी लड़के या लड़की को नहीं बताएंगे, किसी भी टीचर स्टाफ को नहीं बताएंगे, मुझे भी नहीं बताएंगे। जो सोचना है सोच लीजिए, वस्तु केवल ऐसी हो जो इस डिब्बे में आ जाए। कभी आप भैंस में सोच लेना इसके अंदर आएगी नहीं। डिब्बा खाली है? आप दबरा आनंद, डिब्बा खाली है? आपके फेवरेट शिष्य को यहाँ से भी दिखाई देता है, ये अभी से दिखाई देने लगा। खाली बात है, की कभी आवाज आती है? आंखें बंद करके तीर फूंक लगाएंगे, जो आपने सोचा वो इसके अंदर मंगाएंगे। सारा ये 20 रुपए का पकड़े, इन 20 रुपए से आनंद की मनपसंद वस्तु मंगाएंगे, जस्ट फॉर मैजिक पावर। यस, ऐसे करो बेटा, इसे कस के पकड़ो, एक आसन पे रखो, हम बोलेंगे बैगी बैगी, आप लोग बोलोगे चिलचिले। बैगी बैगी चिलचिले, बैगी बैगी चिलचिले। ये बड़े बच्चे कह रहे हैं दिल चले, केवल चिलचिले बोलना है। बैगी बैगी चिलचिले, उधर चले, उधर का मार, इधर चले। अब आप तीन बार बोलो बैगी बैगी चिलचिले, बैगी बैगी चिलचिले, बैगी बैगी चिलचिले, बैगी बैगी चिलचिले। पीछे वाले बच्चों को सुनाई दिया क्या गाना है? कह रहे बीबी बीबी घर चले। आपके पापा के आपके मन में क्या सोचा है, आपके सामने हाजिर करें। बैगी बैगी चिलचिले, बैगी बैगी चिलचिले, उधर का मार, उधर चले, उधर का मार, इधर चले। लगता है आनंद डिब्बा भारी हो गया है, आपकी मनपसंद वस्तु आ गई है, आपकी जो भी वस्तु आई है।